बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाबी सेवैयाँ बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इन्हें पोटे वाली सेवैयाँ भी कहा जाता है और ये सेवैयाँ पंजाब में घरों में ख़वातीन बहुत शौक से बनाती हैं। तो ये हाथ की बनी हुई सेवैयाँ हैं, इन्हें घरों में तैयार किया जाता है। तो आज मैं आपको ये बनाने की रेसिपी बताऊँगी। इसमें 1 कप मैं शामिल कर रही हूँ सेवैयाँ हाथ की बनी हुई, और 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी जाएगा। इस रेसिपी की ओरिजिनलिटी जो है वो देसी घी के साथ ही है। फिर हम इसमें आधा कप चीनी शामिल करेंगे, और ये 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ जिन्हें मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले एक पैन में हम अपनी सेवैयों को थोड़ा सा भून लेंगे, और सेवैयों को भूनते हुए फ्लेम आपने अपना मीडियम टू हाई रखना है। फ्रेंड्स, ये सेवैयाँ मैदे की बनती हैं तो इसलिए इनको डायरेक्ट बना के धूप में सुखाया जाता है, लेकिन जब इसको पकाना हो तो फिर आपने इनको 2 से 3 मिनट तक लाजमी भून लेना है, क्योंकि आटा हमारा जो है वो कच्चा होता है। जब इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई हो जाती है तो वो कच्चापन दूर हो जाता है, फिर ये सेवैयाँ बहुत ज़बरदस्त तैयार होती हैं। तो इस तरह आपने सेवैयों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चम्मच को हम चलाते रहेंगे ताकि सेवैयाँ हमारी जल ना जाएं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसको मुश्किल थोड़ा सा हम खुद ही करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ शामिल नहीं करते जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है। सिर्फ इस तरह हल्का सा इसको ब्राउन किया जाता है। ये तो सेवैयाँ जो हैं वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, भुनाई इनकी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जी, तो सेवैयाँ हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून ली थी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक पतीली में पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है, और जैसे ही पानी में बॉईल आता है हम अपनी इसमें सेवैयाँ शामिल कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी का बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। जी, तो पानी को बहुत अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपनी जो भुनी हुई सेवैयाँ हैं इन्हें शामिल करेंगे, और सेवैयों को शामिल करके आपने 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसी आंच पे पका लेना ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी सेवैयाँ बहुत ज़बरदस्त बॉयल हो चुकी हैं। अब इसमें से हम पानी को अलग कर लेंगे। अब इस तरह हम एक बाउल में छलनी को रख के अपनी सेवैयों को अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह आपने सेवैयों में से पानी को अलग कर लेना है। ये लें जी, सेवैयाँ हमारी बॉयल हो चुकी हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जी, तो वापस आते हैं हम अपने पैन की तरफ, और सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास देसी घी नहीं मौजूद तो आप सादा सिंपल जो घी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी की जो ओरिजिनलिटी है, जो इसका फ्लेवर है, वो देसी घी से ही आता है। तो घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी कूटी हुई इलायची। मैंने यहाँ 3 अदद इलायचियाँ ली थी जिन्हें हल्का सा मैंने कूट लिया था ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर अच्छे से घी में निकल आए। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपनी बॉयल की हुई सेवैयाँ शामिल करेंगे। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं,
और जैसे कुछ लोग इसे इसका सबसे पहले शीरा तैयार करते हैं और फिर उसमें सेवइयों को शामिल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसकी जो असल रेसिपी है वो इसी तरह है कि आपने सेवइयों को घी में अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि सेवइयों का एक एक दाना जो है वो बिल्कुल अलग है। अब इस पॉइंट पे फ्लेम हम अपना ऑफ कर देंगे और चीनी, इस पॉइंट पे हम चीनी शामिल करेंगे। तो लीजिए, आज की हमारी जो सेवइयों की रेसिपी थी वो हो चुकी है बिल्कुल तैयार। इसमें आपको बादाम, पिस्ता, काजू कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम इसकी सर्विंग की तरफ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।